अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज आप देख रहे होंगे इस टाइटल पे कि शायद क्या लेके आई है। हर इलाके की अपनी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, इसी तरह हमारे एरिया की भी एक स्पेशलिटी है। वहाँ पर रहमान बिरयानी भी मिलती है, वहाँ पर इसहाक बर्गर भी मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट जो सबका होता है ना, वो जूसी की कचौरियाँ होती हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे जूसी की कचौरी, क्योंकि ये हर घर में बहुत शौक से खाई जाती है, चाहे वो टी टाइम स्नैक्स के तौर पे खाई जाए या फिर इसको हम कोई मेहमान आ जाते हैं वो खा ले, और जो ये एरिया छोड़ के चले जाते हैं ना, जब वो वापस आते हैं तो वो उनसे पूछी जाए कि क्या लेंगे, तो वो नाम लेते हैं जूसी की कचौरियाँ। तो आज हम आपके लिए इसीलिए जूसी की कचौरियाँ लेके आए हैं ताकि आप देखें और ख़ुद भी ट्राई करें। टी टाइम स्नैक्स में जो हम आज आलू की एक स्नैक्स बना रहे हैं, उसमें हमने आलू लिए, तकरीबन आधा किलो आलू था, इसमें हमने नमक डाल के इसको बॉईल कर दिया है। डालेंगे हरी मिर्चें, साबित धनिया, साबित ज़ीरा, चाट मसाला और लाल मिर्च। अच्छा, ये साबित जो चीज़ें हैं इनको अभी हम जो है वो पीसेंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधी प्याली जो है कॉर्नफ्लोर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिश्ते में हमने इसको पीसने के लिए डाला है, इसको हम मशीन में नहीं पीसेंगे क्योंकि वो बिल्कुल इसका बुरादा बन जाएगा और हमें ये अध कुटे हुए चाहिए। अब ये अध कुटे हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने बॉईल किए हुए आलू। अब इस बात का ध्यान रखें कि वो बिल्कुल ड्राई हों। ठीक है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा जो है फ्राई करने में बहुत नरम हो जाएंगे। अब हम इसमें चाट मसाला और लाल मिर्च ऐड करेंगे, और दूसरा ये कि आलू हमें तकरीबन 95% बॉईल करने हैं, 100% नहीं। ठीक है, और अब जब हम इसको बिल्कुल पीस लेंगे और इसके इसमें कोई लम्स बाकी नहीं रहेगा, बिल्कुल हर चीज़ यकजान हो जाएगी, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना कॉर्नफ्लोर। अभी इसको एक मिनट के लिए और पीसेंगे। बस ये अच्छे से मिल गया है, अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। ये कर दिया था, इसमें हम इतना सा उठाएंगे और फिर इसके छोटे छोटे कबाब की तरह बनाएंगे। इस तरह हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहेंगे, डीप फ्राई तरह बनते जाएंगे और हम इसको क्रिस्पी क्रिस्पी से निकालते जाएंगे। ये हमारे एरिया में एक अंकल हैं, उसको क्या वो बनाते हैं, उसको कहते हैं जूसी की कचौड़ियाँ, और उसके पास माशाल्लाह बहुत रश लगता है और बहुत टेस्टी होती है। हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, अभी उनकी तो डेथ हो गई है, फिर अब उनके बेटे बनाते हैं, तो उन्हीं की रेसिपी है ये, और बहुत मज़ेदार यमी सी हमारी मज़ेदार यमी सी जूसी की कचौड़ियाँ रेडी हैं, बहुत ही यमी होती हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको आप टी टाइम स्नैक्स में भी खा सकते हैं, रात को डिनर पे भी साइड में बना सकते हैं, और अचानक कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए तो ये बहुत ही जा रही हूँ खाने। आप भी खाइए और बताइए कैसे बने हैं। खाएँगे तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है कि ट्राई ज़रूर करना चाहिए हर चीज़ जब आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो। और बस कुछ नहीं, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल, और इसके साथ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।